अब तक आपने देखा कि ग्रुप का एक बंदा बड़े से कमरे में पहुंच जाता है, तो वहां उसे एलियन के उतारे हुए कपड़े मिलते हैं। जैसे ही वो बंदा आगे बढ़ता है तो उसे एलियन के दर्शन हो जाते हैं। वो एलियन इतना बड़ा था कि वो बंदा उसे देखकर डर जाता है। उसी वक्त वो एलियन उस बंदे को मार देता है और उसके शरीर को स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है। ये देखने के बाद बाकी बचे पांच बंदे बहुत परेशान हो जाते हैं। वे पांचों मिलकर उस एलियन को मारने की योजना बनाते हैं। वे बताते हैं कि एलियन को कैसे भी करके बाहर के कमरे तक लाया जाए, जिससे हम पीछे के दरवाजे खोल देंगे और वो एलियन स्पेसशिप में जाकर मर जाएगा। लेकिन एक लड़की उनमें से कहती है कि क्यों ना हम दूसरे जहाज से भाग जाएं। लेकिन बाकी चार बंदे कहते हैं कि हम एलियन का सामना करेंगे और उसे मार कर ही जाएंगे। तभी जो लड़की हेट थी वो साइंटिस्ट से पूछती है कि एलियन को मारने का कुछ तरीका बताओ, लेकिन वैज्ञानिक वो सब बताने से मना कर देता है। तभी उनका हेट कहता है कि मैं एलियन के पास खुद जाऊंगा और खुद उसका पता करूंगा। उसके बाद वो बंदा एक आग निकालने वाली बंदूक लेता है और एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बाहर बैठे सभी बंदे अपने हेड पर नजर रखे हुए थे। वो जानवर की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और अपने हेड को बताते हैं। हेड धीरे धीरे जानवर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लड़की की ट्रेसिंग मशीन खराब हो जाती है और वो गलत जगह दिखाने लगती है। हेड वहां जाकर चेक करता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अचानक से ट्रेसिंग मशीन ठीक हो जाती है और वो जानवर को उसी जगह दिखाती है जहाँ की उनका बंदा था। वो अपने हेड से वहां से जल्दी से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले वो भाग पाता वहाँ एलियन आ जाता है और उस वक्त वे अपने हेड बंदे को खो देते हैं। जो चार बंदे वहाँ बचे थे उनमें से एक लड़की जोर से रोने लगती है और वो उनसे कहती है कि अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग चलो। लेकिन जो लड़की हेड थी वो साइंटिस्ट से कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन वो वैज्ञानिक बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। इसलिए हेड कंप्यूटर के कमरे में जाती है और खुद से ऑन करने लगती है। वो जानकारी निकालते हुए साइंटिस्ट को खरी खोटी सुनाने लगती है कि आखिर तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे ही वो लड़की कमरे से बाहर आ रही होती है तो साइंटिस्ट उसे आगे से बंद कर देता है और अचानक से अपनी हेड पर हमला कर देता है। वो उस लड़की को मारने ही वाला होता है, तभी दो बंदे और आ जाते हैं जो अपनी हेड को उस साइंटिस्ट से बचाने की कोशिश करते हैं। अपनी हेड की जान बचाते हुए एक बंदा साइंटिस्ट की गर्दन को अलग कर देता है और उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है जो कि उन्हें धोखा देने के लिए बनाया गया था। साइंटिस्ट की बॉडी और सर दोनों अलग हो गए थे। वो दोनों उसके सर को दोबारा से जोड़ते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर एलियन को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन साइंटिस्ट बताता है कि तुम में से कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर उन तीनों में से एक बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो साइंटिस्ट के शरीर को उसी कमरे में जला देता है। बचे हुए तीन बंदे एक यान के द्वारा भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठा करने होंगे। लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने के लिए उसी कमरे में जाना होगा जहाँ की एलियन है। वो उस कमरे में जाते हैं और जल्दी जल्दी से सिलेंडर इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन जब वो आ रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना एलियन से हो जाएगा। आते टाइम दोनों क्रू सदस्य का सामना एलियन से हो जाता है। वो उससे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन बहुत ही बड़ा था। वो उन दोनों को उसी कमरे में मार देता है और मरने की आवाज आखिरी बंदी को जाती है और वो समझ जाती है कि इस जहाज पर वो अब अकेली बची है। अब रिपली भागने की तैयारी जल्दी जल्दी करने लगती है और स्पेसशिप को अपने आप नष्ट होने की कमांड को भरने लगती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे फ्यूज लगाने होंगे। वो जल्दी से वहां से फ्यूज को बाहर निकालती है और चारों फ्यूज को सही जगह पर लगा देती है, जिससे स्पेसशिप में टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि जहाज 10 मिनट के बाद फटने वाला है। इसके बाद वो अपने यान को तैयार करने लगती है और वहां से भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन जिस रास्ते से रिपली बाहर की ओर जाती है, रास्ते में उसे एलियन मिल जाता है। वो उससे बचकर वहां से भागने लगती है, लेकिन एलियन भी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। ऐसे ही भागते भागते पूरे 9 मिनट हो जाते हैं। रिपली को लगा कि वो इतनी जल्दी वहां से नहीं भाग पाएगी, इसीलिए वो स्पेसशिप के ऑटो विस्फोट प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करती है। टाइम पूरा होते होते वो विस्फोट को रोक देती है, लेकिन ऐसा करने से स्पेसशिप में दोबारा से 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है और अब की बार आखिरी चेतावनी मिलती है कि जहाज 5 मिनट के बाद पूरा विस्फोट हो जाएगा। रिपली एक गन की मदद से एलियन से बचते हुए रास्तों से बाहर यान के पास पहुंच जाती है और एलियन के आने से पहले वो यान को लेकर उड़ जाती है। अपने यान के अंदर से वो स्पेसशिप को फटता हुआ देखती है। उसके बाद वो अपने आप को फ्री महसूस करती है और कपड़े उतारने लगती है।
लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एलियन उसके यान में है। वो उसकी नजरों से बचते हुए स्पेस सूट को पहन लेती है और यान के पिछले हिस्से को खोल देती है, जिससे हवा का विस्फोट होता है और एलियन यान से बाहर की तरफ आ जाता है। वो अपनी गन से एलियन को गोली मारती है और एलियन नीचे की ओर गिर जाता है, लेकिन गन लड़की के हाथों से खिंच जाती है और एलियन भी ऊपर की ओर आ जाता है। एलियन यान को पकड़ लेता है और इंजन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिपली इंजन को स्टार्ट कर देती है और इंजन का प्रेशर एलियन को दोबारा से अंतरिक्ष में फेंक देता है। फिर रिपली खुशी खुशी पृथ्वी की ओर अपने यान से बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एलियन मूवी की। दोस्तों, ये मूवी सन 1979 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।